सरकार माहौल सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आई होप अमेंडमेंट्स आपको समझ में आ रहे हैं आराम से अमेंडमेंट्स कवर भी हो रहे हैं है। की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है डर अपने आप निकल रहा होगा क्योंकि you know, जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत थी किया है जहां पे क्लेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी वो किया है सर क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि हर टॉपिक को पढ़ो विद देयर प्रैक्टिकल एंड लाइव एनवायरमेंट विद देयर प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन एंड एग्जांपल्स क्लियर तो सरकार शायद मजा आ रहा होगा माहौल बन रहा होगा आपके एंड एंड पे अमेंडमेंट्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपके दो लेक्चर ऑलरेडी हो गए लेक्चर नंबर हम शुरू कर रहे हैं सर अच्छा ये दो, दो लेक्चर थे लगभग टू आवर्स टू आवर्स फिफ्टीन मिनट्स के आसपास के दो लेक्चर थे सर दोनों मिला के क्लियर चलिए सर बहुत सारे अमेंडमेंट्स नहीं बचे अभी आपको पता है अमेंडमेंट नोट्स आपके हाथ में वैसे भी होंगे सर ओके तो सर हम शुरू करते हैं अगले अमेंडमेंट जो रिफंड चैप्टर से लेकर है <laughs> चैप्टर नंबर थर्टीन जो अपनी बुक में था <coughs> रिटर्न अंडर जीएसटी वहां तक हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे क्लियर अब अगला अमेंडमेंट आ रहा है आपके लिए रिफंड्स के अंदर छोटा सा एक पॉइंट ऐड हुआ है बहुत अच्छा इंपैक्ट है इसका सर डेफिशिएंसीज इन द रिफंड एप्लीकेशन जो रूल नंबर नाइनटी सब रूल नंबर थ्री था उसमें लिखा था कि सर अगर मान लो किसी एस एस ने रिफंड की एप्लीकेशन लगाई और उसमें कोई डेफिशियंसी है तो सर प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा उसकी एप्लीकेशन को रिटर्न कर देगा अलोंग विद द डेफिशिएंसी मेमो और बताएगा कि ये है आपकी रिफंड रेक्टिफाई आप करके तकलीफ क्या थी साहब तकलीफ क्या थी तुम्हें तो मैं जिसकी वजह से ये वाला पॉइंट एड हुआ है क्लियर और इसका मैंने लिखा हुआ है पर आपको पहले तकलीफ समझ में आएगी तो एनालिसिस अपने आप समझ में आएगा सरकार तकलीफ ये थी कि जैसे टाइम लिमिट टू क्लेम द रिफंड दो साल का टाइम दे रखा सर टू बीन अलाउड फ्रॉम द रिलेवन डेट टू क्लेम द रिफंड ओके मान लो सर दो साल खत्म होने वाले हैं थर्टी फर्स्ट दिसंबर को मान लो रिलेवन डेट से आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है सर <coughs> अब आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया कब फिफ्टींथ ऑफ नवंबर को समझना बात को ध्यान से ऑफ नवंबर को आपने अप्लाई किया रिफंड के लिए थर्टी दिसंबर इज द लास्ट डेट साल खत्म हो जाएंगे साहब आपने पंद्रह नवंबर विद इन द टाइम लिमिट अप्लाई कर दिया फॉर रिफंड अब मान रिफंडी फिफ्ट ऑफ दिसंबर जब आप क्रिसमस के टाइम पर या सर आप विंटर वेकेशन में सर बाहर घूमने गए बच्चों के साथ में अब साहब पीछे से डिपार्टमेंट का डेफिशिएंसी मेमो आ गया कि आपने जो रिफंड की एप्लीकेशन करी है उसमें यह कमियां थी मालिक अब उसको रेक्टिफाई करके फाइल करो अब सर 25 दिसंबर को ट्वेंटी दिसंबर को या 26 दिसंबर को आपको डिपार्टमेंट का डेफिशिएंसी लेटर आया और लास्ट डेट दो साल की होती है कब 31 दिसंबर को <coughs> अब आप मुझे बताओ एस के पास टाइम तो बचा ही नहीं सर या मैं तो कह रहा हूं सर 29 दिसंबर को भेजा उन्होंने अब अब क्या कर लोगे आप या मैं तो कह रहा हूं चल पांच जनवरी को भेजा कि ये डेफिशिएंसी थी अब रिफंड फाइल करने का टाइमिंग जो था दो साल का वो तो निकल चुका है क्योंकि वो बोलते हैं क्या Deficiency को रेक्टिफाई करके आप रिफंड एप्लीकेशन सबमिट करे एज अ फ्रेश एप्लीकेशन आप सबमिट कर जाएगा तो दो साल तो गुजर गए अब बस सर हवन करेंगे हवन करेंगे करते रहो भाई इज इट फेयर नो दिस पॉइंट वॉज इंसर्टेड सर ये प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया इस रूल के अंदर और उसमें लिखा कि सर जिस दिन एस ने रिफंड एप्लीकेशन सबमिट किया है ऑफ नवंबर वहां से लेके जिस दिन डिपार्टमेंट ने उसको डेफिशिएंसी मेमो दिया है मतलब रिफंड एप्लीकेशन रिटर्न करिए साहब अलॉन्ग विद डेफिशिएंसी मेमो सर इस टाइम लिमिट को हम एक्सक्लूड करेंगे इस टाइम पीरियड को हम क्या करेंगे सर एक्सक्लूड करेंगे वाइल्ड कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ टू ईयर टू क्लेम द रिफंड मान लो सर फिफ्टीन नवंबर को डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि रिफंड रेक्टीफाई करके फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करिए तो पंद्रह नवंबर से लेकर दो जनवरी तक का जो पीरियड था ये मानेंगे की वो दो साल के लिमिट में आए ही नहीं रहा है अब सर आप एक तरह से मान लो सर ये होते फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जेक्ट डेज डेज में फोर्टी सेवन डेज होते सर मान लो फोर्टी 48 डेज होते सर तो सर 48 डेज <coughs> सर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सेकेंड जनवरी से 48 डेज के अंदर अंदर आप रिफंड एप्लीकेशन कभी भी सबमिट कर सकते हो तो ये जो टाइम लिमिट था 48 डेज का वो एक्सक्लूड कर देंगे वाइल कंप्यूटिंग टाइम लिमिट ऑफ टू इयर्स जिस दिन आपने रिफंड एप्लीकेशन सबमिट करी और जब डिपार्टमेंट ने आपको वापस डेफिशिएंसी मेमो दिया और फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करने के लिए बोला दिस टाइम लिमिट विल बी एक्सक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग टाइम लिमिट टू क्लेम द रिफंड क्लियर डन

उसको सैक्शन ऑर्डर पास हो गया है <coughs> या कोई नोटिस इश्यू हो गया है उससे पहले उसको करना पड़ेगा क्लियर और अगर उसने ये एप्लीकेशन विड्रो कर ली तो सर आपको पता है जब रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो भले वो कैश लेजर से रिफंड के लिए अप्लाई कराओ या क्रेडिट लेजर का रिफंड के लिए अप्लाई कराओ जितना अमाउंट रिफंड के लिए अप्लाई किया उतना अमाउंट उन रेस्पेक्टिव लेजर से कम कर दिया जाता है डेबिट कर दिया जाता है और अगर वो एप्लीकेशन को विदड्रो करता है तो दिस अमाउंट विल बी री टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर एज द केस में रेस्पेक्टिवली

फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वाइल्डेड बैकर फ्रॉम डेबिट वॉज मेड तो कुल मिला के जितना अमाउंट उसके लेजर से कम किया था तो उतना तो वापस डाल देंगे क्योंकि अब वो रिफंड क्लेम नहीं कर रहा सर क्लियर ठीक है सर कोई खास बात नहीं बहुत टफ बात नहीं ईजी बात है एक फैसिलिटी दे दी एस एस सी को कि अगर वो विड्रो करना चाहता है जैसे मान लो उसने आई टी सी अनयूटिलाइज आईटीसी रिफंड के, के लिए अप्लाई किया पता पड़ा सडनली नेक्स्ट मंथ में उसको इतनी लाइविटी आ गई कि सर वो आई टीसी यू आ सकता है अब पता नहीं रिफंड तो उसको कम मिलेगा बेटर के आईटीसी यूज कर ले सर तो विद्रो कर ले एप्लीकेशन को अगर कोई इस तरह का सेंक्शन ऑर्डर वगैरह पास नहीं हुआ तो सर अगला अमेंडमेंट तो नहीं है सर एक छोटा सा पॉइंट ऐड किया डिपार्टमेंट ने प्रोवाइजो एड किया सर आपको पता है विथ्रोल ऑफ रिफंड क्लेम सॉरी आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया आपका रिफंड बनता भी है पर अगर अगर आपका कोई अगर कोई प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रहा है या तो फिर अपील में चल रहा है या कोई भी अदर प्रोसीडिंग बिफोर एनी अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट पेंडिंग है हाँ ना और कमिश्नर की ओपिनियन ये है कि उसको लगता है कि सर अगर हमने ये रिफंड अभी इसको दे दिया तो बाद में जो हमको अमाउंट रिकवरी में आएगा अपील के जजमेंट के टाइम पे वो हमसे रिकवर ना हो पाएगा तो ऐसे केस में वो चाहे तो सर इस रिफंड को करने का ऑर्डर पास कर सकता है ये पहले भी था अभी भी है पर रिफंडर लाइबल टू बी द ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ विधह रिफंड सर उसको लगता है कि ड्यूरिंग एनी अभी भी प्रोसीडिंग पेंडिंग ही है देखो प्रोसीडिंग फाइनल हो गई अपील आप जीत गए तो रिफंड मिलना ही मिलना है उसके बाद विड तो करने का कहानी नहीं आता सर पर ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग इट उनको लगता है किसी भी टाइम पे सर नहीं ठीक है सर इसको रिफंड दे देना चाहिए विद नहीं करना चाहिए तो इसी केस में आपको रिफंड दे, दे देंगे रिफंड विल बी अलाउड टू कोई दिक्कत नहीं है आई होप यू गोट दी पॉइंट कोई खास बात नहीं सरकार आइए फिर हमने जब सेक्शन नंबर थ्री पढ़ा था रिफंड ऑफ आई टी तब हमने पढ़ा था कि अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया है अगर आपने ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला सप्लाई किया है तो ऐसे केस में अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ आई का आपको रिफंड मिलता है अब जब इसमें हमने एक्सपोर्ट की बात करी थी कि अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज, अगर आपने कोई गुड्स सॉरी अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया है विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर द कवर ऑफ अ बॉन्ड या एलयूटी तो ऐसे केस में सर एक्सपोर्ट अलाउड है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स बट उसमें काम आने वाले इनपुट इनपुट सर्विस का आपको आईटीसी मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है और अगर उस इनपुट और इनपुट सर्विस का आप आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर सकते यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है तो ऐसे केस में यू कैन क्लेम द रिफंड ऑफ सच अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विसेज विच आर यूज इन सच एक्सपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज क्लियर समझे मेरी बात पर उसमें कंडीशन थी और अभी भी है नो रिफंड ऑन एक्सपोर्ट इज अलाउड इफ एक्सपोर्ट आर लाइबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी लिखा हुआ था रिफंड ऑफ बैलेंस ऑफ आईटीसी नहीं मिलेगा इनकेर गुड्स एक्सपोर्टेड ऑफ इंडिया टू एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर आपकी गुड्स एक्सपोर्ट आप कर रहे हो सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी तो ऐसे में आपको रिफंड नहीं मिलेगा अनयूट बैलेंस का उसके पीछे क्या है? ने अगर किसी गुड्स के एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गवर्नमेंट डोन्ट वैट पर्टिकुलर गुड्समेंट डोट वॉन्ट टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ दट पर्टिकुलर गुड्सुड रिफंड भी अलाउड ऑफ अनयूटिलाइज आई इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर किसी गुड्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा है तो हम उसके अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ आई का रिफंड नहीं देंगे अब सर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पर देखो कस्टम्स में शेड्यूल टू दो शेड्यूल है कितना कस्टम लगेगा शेड्यूल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम कितना लगेगा अगर कोई गुड्स शेड्यूल टू में कवर ही नहीं है साहब मतलब एक्सपोर्ट लग नहीं रहा सर सेकेंड अब क्वेश्चन का है सर अगर कोई गुड्स शेड्यूल टू में कवर है पर अगर उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी एग्जेम करी हुई है मालिक कोई नोटिफिकेशन देखे एग्जेम किया हुआ है एक्सपोर्ट ड्यूटी उन गुड्स के एक्सपोर्ट करने पर भले वो शेड्यूल टू में कवर है या फिर वो गुड्स शेड्यूल टू में कवर है विथ नील रेट ऑफ ड्यूटी तो क्वेश्चन आता है कि अगर कोई गुड्स जो शेड्यूल टू में कवर है सर भले ही उस पर रेट ऑफ टैक्स एग्जिमटेड है रेट ऑफ टैक्स नील है या उस पर अलग से एग्जिमशन देखे एग्जिम किया हुआ उन गुड्स को क्या ऐसी गुड्स के लिए भी रिफंड अलाउ नहीं होगा चलो आपका दिल क्या कहता है सर गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए शेड्यूल टू में उन गुड्स को इंक्लूड किया पर एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्ज कर दी उन गुड्स पर या उन गुड्स पर रेट ऑफ टैक्स कितना है नील तो आप मुझे बताओ अल्टीमेट गवर्नमेंट का एम क्या था गवर्नमेंट का सर इंटेंट क्या था इंटेंट था कि सर जिन गुड्स को हमको प्रमोट नहीं करना एक्सपोर्ट के लिए उसके लिए हम रिफंड भी अलाउ नहीं करेंगे उनके अनयूटिलाइज अनयूटिलाईटीसी का हाँ है ना आप मुझे बताओ अगर कोई गुड शेड्यूल में कवर ही नहीं है या कवर है विथ नील रेट ऑफ टैक्स या उन पर ड्यूटी एग्जिम करी हुई है तो सर इसका मतलब क्या है एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही है ना और एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही है एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही, नहीं लग रही तो ऐसे केस में सर इट मीन गवर्नमेंट वॉन्ट टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ दिस दो गुड्स <coughs> कोई की बात आई नहीं रही पे इसलिए ये सर्कुलर इश्यू करके बोला कि साहब कोई बात नहीं अगर कोई गुड्स टू में कवर है पर, उस पर रेट है। अगर है? है। गवर्नमेंट ने या कोई गुड शेड्यूल टू में कवर ही नहीं है तो ऐसे केस में दो गुड्स आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ अनयूटिलाईज बैलेंस ऑफ आईटीसी अंडर सेक्शन फोर 3 वहां हम रिफंड के लिए मना नहीं करेंगे क्लियर मेरे मालिक डन

तो सर चलेगा ऐसे केस में आपको रिफंड अलाउ होगा कोई दिक्कत नहीं मालिक क्लियर डन सरकार अगले पॉइंट बढ़ते हम सर सर रिफंड चैप्टर पूरा जहां ये दो तीन चेंज थे हल्के हल्के अब एक लास्ट में एक एक सर्कुलर नोटिफिकेशन मैंने मैंने और की। तो क्या किया है? सरकार ने एड किया जो मैंने यहां पे एड किया है इस चैप्टर के एंड में मैंने एक टॉपिक दिया सर सर हमने ये सेक्शन नंबर या पढ़ा था सर रिफंड ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नंबर सेवेंटी सेवन वन और सीजीएसटी एक्ट सी जी एस टी एंड सेक्शन आई जी एस टी एक्ट में बोल ये पे दे रखे अगर कोई सप्लाई इंट्रा स्टेट थी इंट्रा विद इन द स्टेट और उसको आपने गलती से इंटर स्टेट सप्लाय समझ के क्या समझ के इंटर स्टेट सप्लाई समझ के आई पे कर दिया था तो ऐसे केस में क्या होगा सर आपको पता है सर ऐसे केस में एस पर सेक्शन नंबर सेवेंटी सेवन सेक्शन वन आपको क्या करना पड़ेगा जो करेक्ट टैक्स था विच इज सी जी एंड एस जीएसटी ये आपको पे करना पड़ेगा क्लियर हाँ जो आपने रॉन्ग टैक्स पे किया आईजीएसटी उसका आप रिफंड ले सकते हो हमें कोई दिक्कत नहीं है प्लस अब सेक्शन टू बोलता है कि ऐसे केस में हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे हम कोई ब्याज चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि एटलीस्ट आपने सरकार को टैक्स तो पे किया था सर बस करेक्ट हेड में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा हा है ना और सर करेक्ट टैक्स में जब पे किया है आपने टैक्स करेक्ट हेड में जब आपने टैक्स पे कर दिया सर उसके बाद आपने जो करेक्ट जो आपने रॉन्ग टैक्स पे किया था उसका रिफंड आप ले सकते हो तो सर सर सेम सेक्शन इंटरस्टेट में भी था कि अगर किसी इंटरस्टेट सप्लाई को आपने रॉन्गली इंटरस्टेट समझ के सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर दिया विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंटरस्टेट सप्लाई तो सर ऐसे केस में विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंटरस्टेट सप्लाई तो ऐसे केस में आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा और सर जो रॉन्ग टैक्स पे किया था आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी उसका आपको क्या मिल जाएगा रिफंड मिल जाएगा सब क्लियर समझे और हाँ ऐसे केस में कोई इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी ब्याज की कोई बात नहीं आएगी ठीक है ये बातें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है हमने भी पढ़ी हुई इसमें कोई चेंज नहीं हुआ अब सर यहाँ पे लिखा था रिफंड शिल बी अलाउड इन द प्रिस्क्राइब मैनर उसके लिए इन्होंने एक रूल नंबर एटी सब रूल नंबर वन एड कर दिया और रूल नंबर एटी किया फिर उसके अंदर कोई डाउट आया तो उसके लिए सर्कुलर भी इश्यू किया क्लेरिफिकेशन में दिया ठीक है तो हम पढ़ रहे सर सर मैं तुम्हें बताता हूं पहली बात तो ये है देखो सर मैंने जानबूझ के यहां पर सब्सिक्वेंटली हेल्ड वर्क किया, किया हेल्ड कोई ट्रांजेक्शन जो इंट्रा था आपने इंटर समझ के आईजीएसटी पे कर दिया सब्सिक्वेंटली हेल्ड हुआ कि सर ये इंट्रा स्टेट था तो वो सर वो हेल्ड भले ही डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग पता करा या सर सेल्फ सेल्फी ने खुद नहीं सर इस गलती को पकड़ ली और बोल दिया ही नहीं गलती हो गई हमसे तो और हमने गलत हेड में टैक्स पे कर दिया क्लियर वाई सफर साहब समझे मेरी बात भले वो गलती से सी और एस पे किया इंस्टेड ऑफ आई जीएसटी यासीएसटी दोनों के लिए पॉइंट है सर क्लियर तो ऐसे केस में उसको करेक्ट हेड में टैक्स पे करना पड़ेगा करेक्ट डेट में टैक्स पे करना पड़ेगा और जो रॉन्ग टैक्स उसने पे किया उसके लिए फॉर्म नंबर जीएसटी फाइल करके वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम कॉमन पोर्टल पर हाँ सर दो साल के अंदर रिफंड क्लेम हो जाएगा ध्यान से सुनना रिफंड एप्लीकेशन में भी अप्लाइड विद इन टू ईयर्स टू ईयर्स फ्रॉम द डेट वेन यू मेड द करेक्ट टैक्स पेमेंट अंडर करेक्ट हेड मतलब सर मान लो चार साल बाद आपको पता पड़ा कि मैंने तो गलत टैक्स पे कर दिया था साहब सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर दिया जबकि क्या पे करना था आईजीएसटी तो सर करेक्ट हेड में जब आप आईजीएसटी पे करेंगे सर उससे दो साल के अंदर आप रिफंड क्लेम कर सकते हो सीजीएसटी और एसजीएसटी का एंड एस वर्सा केस टी सर क्लियर एवरसा के समझा मेरी बात पक्का बच्चों डन अच्छा अब इसको क्लेरिफिकेशन दिया डिपार्टमेंट जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं बच्चों <coughs> <coughs> अच्छा इस रूल के थ्रू बताया गया

अब आसि क्या बोलेगा सर ये रूल तो अभी आया उससे पहले के अगर हमारा क्लेम थे उससे पहले हम करेक्ट टैक्स पे कर चुके हैं तो ऐसे केस में दो साल कब से काउंट करेंगे तो वहां डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि इन सच केसेस केसेज इयर्स कब से काउंट करेंगे अगर मान लो आपने करेक्ट हेड में टैक्स ट्वेंटी फोर्थ ऑफ ट्वेंटी फोर्थ ऑफ सेप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से पहले ही पे कर दिया था तो कोई बात नहीं जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया कब आया ट्वेंटी फोर्थ उसके दो साल में आप रिफंड के लिए अप्लाई कर देना

हेल्ड इज इंटर और इंटरेस्टेड बाय द टैक्स ऑफिसर इन एनी प्रोसीडिंग किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान ऑफिसर ने पता किया कि साहब ऑफिसर ने बताया आपको डिटरमेन करके कि कि गलत आपनेड में टैक्स पे किया चलेगा साहब दोनों ही इस केस में कवर है रिफंड के लिए आप एलिजिबल हो दो साल में रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो जब आप करेक्ट हेडमेट टैक्स पे करेंगे उसके बाद इंटरेस्ट की बात नहीं आती यहाँ पे क्लियर सर अब रिलेवन डेट फॉर क्लेमिंग रिफंड सर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सिंपल सी बात है रिलेवेंट डेट क्या है दो साल दो साल कब से जब से करेक्ट हेड में आपने टैक्स पे किया <coughs> वहां से दो साल मिलेंगे आपको क्लियर और हां अगर कोई करेक्ट हेड में आप टैक्स ये रूल इंट्रोड्यूस ट्वेंटी फोर्थ ऑफ उससे पहले ही अगर आपने करेक्ट हेड में टैक्स पे कर दिया था, था तो तो जिस दिन ये रूल आया नोटिफिकेशन आया उस दिन से दो साल में अप्लाई कर देना रिफंड के लिए कोई दिक्कत नहीं सर चलिए एग्जाम्पल लिए आप दे रखा है देखते सर अ टैक्स पेयर ए हैज इश्यूड द इनवॉइस इनवो द डेट टेंड एटीन

दैट द सेट ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट सप्लाई जी एस टी इन रेस्पेक्ट ऑफ ये रूल कब आया ट्वेंटी फोर से दो साल कब से काउंट करेंगे दो साल काउंट करेंगे चौबीस सितंबर दो हजार इक्कीस से मतलब ऐसे केस में सर ट्वेंटी थर्ड ऑफ सेप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री विल बी द लास्ट डेट जब तक आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो कोई खास बात नहीं सेकेंड एग्जाम्पल सर

सर चौबीस सितंबर को नोटिफिकेशन आया उसके बाद उसको समझ में आया कि इंटरस्टेट सप्लाई था और ग्यारह नवंबर दो को उसने रिफंड के लिए अप्लाई किया उसने करेक्ट हेड में टैक्स पे किया तो सर दस नवंबर दो से दो साल के अंदर वो रिफंड के लिए अप्लाई कर, मतलब कर सकता है मतलब ऑफ नवंबर टू विल बी द लास्ट डेट जब वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है ऑफ द रॉन्ग हेड टैक्स क्लियर सर सेम एग्जांपल पॉइंट नंबर थ्री और फोर में प्रॉपर ऑफिसर ने डिटरमाइन किया प्रॉपर ऑफिसर और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपलेट अथॉरिटी ज हेल्ड ट्रांजेक्शन एज पेड आई जी एस टीपेक्ट ऑफ से दो साल कब से चौबीस ऑफिसर ने रिफंड किया कि टैक्स पे किया उसने कब बताया बताया और असिटी ने टैक्स कब पे किया दस ग्यारह दो हजार सॉरी हाँ दस ग्यारह दो हजार बाईस को ये,

वो टाइम लिमिट की वजह से तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट बोला कि जो नया रूल हमने अभी ऐड किया रूल नंबर सब रूल नंबर ए उसके हिसाब से आप देखना कि कि वो रिफंड एप्लीकेशन विद इन टाइम उसने फाइल करी करी थी कि नहीं करी थी नहीं अगर कर दी थी तो ऐसे केस में सर उसको रिफंड दे देना साहब मना मत करना मतलब ये जो नया रूल है ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई होगा पुराने केसेस है उनकी फाइल डिस्पोज ऑफ हो गई है या उसकी फाइल पेंडिंग है तो उनपे भी सेम फंडा लगाना जो हमने यहां दे रखा है ओके क्लियर माहौल सरकार आइए बढ़ते अमेंडमेंट सर, सर पहले जो जीएसटी ऑडिट हुआ करती थी जिनका भी एग्रीगेट रुपीज एग्रीगेट टर्न ओवर रुपीज फाइव करोड़ क्रॉस होता था उनको जीएसटी ऑडिट करानी पड़ती थी फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट और अलोंग एनुअल रिटर्न स्टेटमेंट इन दी फॉर्म नंबर जीएसटी सबमिट करना पड़ता था उस दिया और अब बोल दिया जीएसटी ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है प्लस जिन भी एसएससी का एग्रीगेट और फाइव करोड़ क्रॉस होता है इन एनी ऑफ फाइनेंशियल ईयर तो उस एसएससी को फाइनेंशियल खत्म होने के बाद थर्टी फर्स्ट दिसंबर या उससे पहले पहले द एनुअल रिटर्न सेल्फ सर्टिफाइड रिकनसलेशन स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं क्लियर ये रिपीट करिए क्योंकि इस चैप्टर का पॉइंट था इसलिए मैंने यहां रिपीट कर रखी है आइए बच्चों ईवे ईवे बिल्स सर बिल के अंदर दो छोटे से चेंज हुए फर्स्ट तो कोई खास बात चेंज तो क्या हुआ फर्स्ट तो एक फर्स्टिकेशन केवल रूल नंबर वन थर्टी एट ए हमने बात करा हुआ है कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो पर्सन इन चार्ज ऑफ देंस होता है ड्राइवर या कैप्टन वगैरह सर उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे अपने साथ में क्लियर तो उसमें आपको वन ऑफ़ द डॉक्यूमेंट इज़ जमाना आ गया कि अगर किसी भी एसएससी का इन एनी ऑफ देंसर फ्रॉम टू थाउजेंड सेवेंटीन एटीन करोड़ ऐसे केस में उस एसएससी को सर

तो ऐसे ये माना जाएगा कि उसने इनवॉइस रखा हुआ है उसको फिजिकल कैरी करने की जरूरत नहीं है इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है पहले भी था अभी भी है वेदर कैरिंग फिजिकल कॉपी ऑफ इन्वर्स इज कंपलसरी ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स इनकेर सप्लायर इन दी मैनर प्रिस्क्राइबी एट सब नंबर फोर ऑफ दिस आंसर इज नो एब्सोल्युटली नो no. जब उसके पास क्यू आर कोड है having embedded invoice reference number it, in it, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा उसको स्कैन करेगा सारी इनवर्स की इंफॉर्मेशन उसको वैसे ही मिल जाएगी फिजिकल कॉपी रखने की जरूरत नहीं है साफ रूल में लिखा है साहब क्लियर लिखा है रूल में कि इन ल्यू ऑफ फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवाइस फिजिकल कॉपी रखने की जरूरत ही नहीं है क्लियर डन चलिए सर <coughs> बड़ा ही अच्छा अमेंडमेंट हुआ है शानदार अमेंडमेंट में कह सकता हूं रूल नंबर वन थर्टी एट ई के अंदर <coughs> <सर, coughs> डिलीट करके कलर चेंज करके बता देता हूं इन वर्ड्स को लिखा गया है जिसका बहुत ही अच्छा इंप्लीकेशन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर पर पहले मैं समझाता हूँ रूल नंबर वन थर्टी एट ई क्या था और अभी क्या है सर कि कोई भी पर्सन अगर उसने कंपोजिशन और पिछले दो क्वार्टर के उसने फाइल नहीं किए केस चार, चार में जा लगती है, मैं वो बोल रहा हूं यहां कोई अमेंडमेंट नहीं चार रेस्ट्रिक्शन पहले भी थी अभी भी है। Second, sir, अगर आप कंपोजिशन सप्लायर नहीं है नॉर्मल सप्लायर है आपने लास्ट दो टैक्स पीरियड के जीएसटीआर जीएसटीआर मतलब रिटर्न सबमिट नहीं किया हुआ है आपने लास्ट दो टैक्स पीरियड के रिटर्न सबमिट नहीं किए हुए या फिर आप नॉर्मल हो आपने लास्ट दो महीने या अगर क्वार्टरली जीएसटीआर सबमिट करने वाला ऑप्शन है आपके पास तो सर लास्ट दो टैक्स पीरियड के मतलब मंथली हो या क्वार्टरली हो आपने जीएसटीआर वन सबमिट नहीं किया हुआ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई या फिर सर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो रखा है तो उस दौरान सर आपके रेस्पेक्ट में कोई बिल जनरेट नहीं कर पाएगा न तो सप्लायर न रेसिपेंट नियर एजेंसी कोई भी बिल जनरेट नहीं कर पाएगा भले ही आप सप्लायर हो या रेसिपेंट हो दो मिनट मतलब किसी ट्रांजेक्शन के अंदर एक सप्लायर होता है एक रेसिपेंट होता है सप्लायर या फिर रेसिपेंट दोनों में से कोई भी एक पर्सन अगर ये चार ऑफेंसेस करता हुआ मतलब ये चार डिफॉल्ट <coughs> करता कर कर रखे उसने अगर इन चार में से कोई भी डिफॉल्ट अगर उसने किए हुए किसने सप्लायर दोनों में से किसी भी एक ने तो उस ट्रांजेक्शन के लिए ईवी बिल जनरेट ही नहीं हो सकता था अब तकलीफ समझिएगा आप 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 आपको पता है वैल्यू ऑफ द गुड्स एक्सीडिंग रुपीज फिफ्टी थाउजेंड है तो ईवी बिल जनरेट होगा और बिना ईवी बिल के गुड्स मूवमेंट नहीं हो सकता सर और अगर फिर भी किया है तो मामला गड़बड़ है सर तो सर आप सप्लायर में आप तो सर एकदम और आप तो मंथली टाइमली सब रिटर्न वगैरह सब सबमिट करते हो सर पर मैं आदमी चोर सर मैं कस्टमर हूं आपका अब साहब मैंने अपना रिटर्न सबमिट नहीं किए हुए लास्ट दो रिटर्न मान लो या सर लास्ट दो जीएसटी सबमिट नहीं किए हुए या मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो रखा है या मैं कंपोजिशन स्कीम वाला हूं तो मैंने लास्ट दो क्वार्टर के जीएसटी सी एम पी जीरो एट सबमिट नहीं कर रखे तो सर आपका क्या गुना आप तो सप्लायर हो ना सर आपका धंधा बंद कर दोगे आपके कस्टमर चोर तो आप धंधा बंद कर दोगे क्या आपकी क्या गलती सर तो सर सब लोगों ने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट किया और बोला कि यार सप्लायर को तो अपना बिजनेस करने दो ना उसका तो सर माल बिकेगा पैसा आएगा वो मस्त रहेगा तो आप भी मस्त रहेंगे <coughs> गवर्नमेंट की रेवेन्यू लेट हो रही है इसके अंदर कैसे गुड सप्लाई नहीं होगा तो टैक्स इन्वेस्ट जनरेट नहीं होगा टैक्स इन्वेस्ट जनरेट नहीं होगा तो जीएसटी की लाइब्रेड नहीं आएगी लाइब्रेट नहीं आएगी तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा सब क्लियर तो सर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हाँ यार बात तो सही है अब बोल दिया रेसीपेंट भरी चोर अपने क्या करना है यार सर बोल दिया रेसिपेंट ने भले ही ये चारों में से कोई भी in, कोई भी डिफॉल्ट किए हुए कोई दिक्कत नहीं है सर ईवी बिल जनरेट हो सकता है बस जो सप्लायर है जो मूवमेंट ऑफ तो द आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है उसने अगर इन चारों में से कोई भी डिफॉल्ट किया तो उसका आउटवर्ड मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट तो कर दो ना यार ताकि वो अपना धंधा नहीं कर पाएगा वो सेल नहीं कर पाएगा तो रिटर्न सबमिट करेगा तो जीएसटी आर वन सबमिट करेगा और सीएमपी जीरो अगर कंपोजिशन वाला तो वो सबमिट करेगा और रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगा तो रजिस्ट्रेशन रिवाइव करवाएगा साहब हाँ है ना तो सर जो रेसिक्शन पहले रेसिपेंट और सप्लायर दोनों के लिए थी अब केवल वो सप्लायर के लिए कर दिए रेसिपेंट भले चोर हो कोई दिक्कत नहीं सर ओके ये वर्ड्स काटने से ये इंपैक्ट आया ये ग्रीन वाले वर्ड्स हटे देखो ग्रीन वाले वर्ड्स में क्या लिखा होता इन रेस्पेक्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन वेदर एज अ सप्लायर और अ मतलब सप्लायर हो या दोनों में से किसी भी एक ने अगर ये चार में से कोई भी एक डिफॉल्ट किया हुआ है तो सर उस मूवमेंट उस ट्रांजेक्शन के लिए ही ईवी बिल जनरेट नहीं हो पाएगा पर सर वो वर्ड्स काट दिए और अभी नए वर्ड्स क्या है साहब इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ एनी गुड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन मतलब अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपने गुड्स का आउटवर्ड मूवमेंट कर रहा है और उसने अगर इन चार में से कोई भी डिफॉल्ट किए हुए है तो ऐसे केस में सर ईवी बिल जनरेट ना हो पाएगा कोई भी पर्सन उस ट्रांजेक्शन के लिए बिल जनरेट नहीं कर पाएगा अब रेसिपेंट भले ही चोर हो रेसी, रेसी ने चारों में से एक क्या मैं तो कह रहा हूं सारे डिफॉल्ट किए हुए तो भी ईवी बिल जनरेट कर सकता है अगर सप्लायर जो आउटवर्ड मूवमेंट कर रहा है उसने अगर इन चारों में से कोई भी ऑफेंस नहीं किया हुआ तो ओके okay, डन Uh, default है ना नहीं default. Clear, done. ये छोटा सा पर बड़ा अच्छा में काम का सर सर जो अच्छा अमेंडमेंट होता है ना सर वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं सबको अच्छे लगते हैं उसका कारण क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम किया और ऐसे अच्छे अमेंडमेंट्स के बारे में क्वेश्चन बनने चाहिए एग्जाम में बने ना बने बात बात की बात है सर ओके सरकार ये आपके जीएसटी से रिलेटेड सारे अमेंडमेंट्स कवर हो गए हैं अब हम बढ़ रहे हैं किधर कस्टम्स लॉज की तरफ कस्टम में जहां जहां अमेंडमेंट थे वो भी हम देख लेते हैं मेरे मालिक आइए बच्चों सबसे पहले आपको बताया सर कस्टम्स में भी सिस्टम को ऑटोमेटिक करने वाला है इलेक्ट्रॉनिक सर कस्टम पोर्टल लॉन्च कर रहा है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ने कॉमन पोर्टल जैसे जीएसटी में डिफाइन किया हुआ है वैसे ही सर यहां पर भी डिफाइन कर दिया कॉमन पोर्टल जहां पर भी काम आएगा मींस कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक मीन कॉमन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमन पोर्टल रेफर टू इन सेक्शन नंबर फोर सी है ना और सर गवर्नमेंट ने जहां पे भी दिया कॉमन जैसे अभी बिल ऑफ एंट्री वगैरह सब कुछ कॉमन पोर्टल के थ्रू ही होगा तो सर कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमन पोर्टल जिसकी वेबसाइट गवर्नमेंट नोटिफाई करी सेक्शन नंबर वन में वन सी में और सर वो वेबसाइट ही कॉमन पोर्टल कहलाएगी सर कोई खास बात नहीं सर आइए मेरे मालिक अगला हा 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 एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट से सर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस सर वैसे बता देता हूं यह एक एडिशनल सेस लगाया गया है ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो भी गुड्स शेड्यूल वन में कवर है उन पर एक एडिशनल सेस लगाया गया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस और जितना बेसिक कस्टन्यूटी की रेट है उतना का उतना ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से बनेगा और पर्पज ऑफ दिस फंड इज टू फाइनेंसिंग द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्लियर उसके लिए फंड कलेक्ट कर रहे हैं पर मेनी ऑफ द गुड्स सर मेनी ऑफ द गुड्स एक्जटेड फ्रॉम दिस सेस जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं इसलिए इसलिए आईसीआई ने एग्रीकल्चर इंफ्रा एंड डेवलपमेंट सेस आपके सिलेबस में नहीं रखा है आपको नॉलेज के लिए बताया कि यस ये भी एक टैक्स लग गया है ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इन एडिशन टू देश कस्टम्यूटी और जो वैल्यू होती है एज पर कस्टम्स एक्ट उसी वैल्यू पर लगेगा ये ड्यूटी और सर दिस इज इन एडिशन टू द बेसिक कस्टम ड्यूटी और जितना बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है उतना उतना ही लगता है पर गवर्नमेंट के पास पावर है की एग्जाम तो कर सकता है और कई सारे गुड्स को एग्जाम भी किया हुआ सर इसलिए अब सर सारी गुड्स जनरल लगता है जैसे सोशल वेलफेयर सब पे लगता है तो हमने पढ़ भी लिया कुछ गुड्स लगता है कुछ पे नहीं लगता तो सर ऐसे केस में आंसर ऐसे केस में ऐसे ही इसको कंसिडर नहीं करता एग्जाम्स के लिए क्योंकि टेरिफ स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया फिर आपके लिए ओके चलिए सर तो बहुत लोग तो खुश हो गए वाह सर दो पेज कम हो गए एक तो ये वाला पेज कम हुआ एक नेक्स्ट पेज भी ये वाला कम हो गया क्योंकि ये पॉइंट दो पेज में जा रहा है ना सर मजा आया सर खुश रहो आप क्या जिंदगी मजा है आपकी है सर चलिए सर अब आते हैं हम पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपलाई सेफ गार्ड मेजर एट बी ऑफ द कस्टम एक्ट ये टेस एक्ट ट्वेंटी से सब्सिडीड हुआ था जिसको हमने पढ़ा था रिगार्डिंग लेवी ऑफ सेफ ड्यूटी तो जो लेवी ऑफ सेफ ड्यूटी था सेक्शन नंबर एट बी उसको रिप्लेस कर दिया बाय फाइनेंस एक्ट 2020 और वहां पर लिख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट इज द पावर टू अप्लाई द सेफ मेजर्स देखो बेटा सेफगार्ड ड्यूटी लगाना देखो ये कब लगता था सर सेफगार्ड ड्यूटी पहले जब बल्क में इंपोर्ट हो रहा है या होने वाला है और डोमेस्टिक मार्केट के प्लेयर्स को ये थ्रेटनिंग हो गई थी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कि सर अब हमारा मार्केट खत्म होने वाला है डोमेस्टिक मार्केट को इंजरी होने वाली है <coughs> सॉरी या डोमेस्टिक मार्केट को इंजरी हो गई है तो ऐसे केस में ऐसे केस में गवर्नमेंट के पास पावर था कि बल्क में जो इंपोर्ट हो रहा है आउट ऑफ इंडिया से उस पर सेफ ड्यूटी चार्ज कर दे तो सर उस सेक्शन को आप रिप्लेस करके गवर्नमेंट ने बोल दिया गवर्नमेंट के पास पावर की वो चाहे तो सेफ गार्ड मेजर इंपोज कर दे देफ गार्ड मेजर्स इंक्लूड वन ऑफ द मेजर एज चार्जिंग सेफ ड्यूटी क्लियर और एक दो पॉइंट और एड कर दिए कि सेफ गार्ड में हम सर ये चीजें भी कर सकते हैं

circumstances in which safeguard measures can be imposed subsequently central government after conducting inquiry can impose the safeguard measure if it is satisfied that any article is imported into India in increased quantity and such increased quantity of import of such goods is causing or threatening to cause serious injury to domestic industry. तो सर ऐसे केस में सर दीज मेजर्स कैन बी इंपोस्ट बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट अब सर सबसे सब पहले बात इंपोर्टेंट टर्म्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री का मतलब क्या है सर डोमेस्टिक मार्केट उस पर्टिकुलर गुड्स का मान लो ये पेंसिल मैन्युफैक्चरर है देश के अंदर सारे लोग तो उनका इंडस्ट्री डोमेस्टिक इंडस्ट्री मीन द प्रोड्यूसर्स एज अ होल ऑफ द लाइक आर्टिकल और अ डायरेक्टली कॉम्पिटेटिव आर्टिकल इन इंडिया या फिर हुज कलेक्टिव आउटपुट ऑफ द लाइक आर्टिकल्स और अ डायरेक्टली आर्टिकल इन इंडिया

इमिनेंट डेंजर ऑफ सीरियस इंजरी डेवलपिंग कंट्री नोडिफाई करेगा गवर्मेंट इन दी ऑफिशियल गजट क्योंकि डेवलपिंग कंट्री से इम्पोर्ट कर करते तो safeguard नहीं लगता है थ्री परसेंट फ्रामल कंट्री मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री तो ईच अपू थ्री परसेंट टोटल नाइन परसेंट वो पॉइंट भी है ठीक है अभी पढ़ते है, दो मिनट सर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ गडी टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ एनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया एमिंग टू मेक इट मोर कॉम्पिटेटिव मेक इन इंडिया सर भारत में होनी चाहिए

टैरिफ रेट कोटा आप बोलेंगे सर टैरिफ रेट कोटा क्या होता है गवर्नमेंट क्या करेगी सर हर कंट्री कुछ कंट्रीज के लिए जहां से इंक्रीज इंपोर्ट हो रहा है उसके लिए गवर्नमेंट चाहे तो एक, एक टैरिफ कोटा फिक्स कर देगी कि इतनी क्वांटिटी तक तुम्हारे यहां से इंपोर्ट हुआ तो तो नॉर्मल रेट ऑफ कस्टम जो लग रहा है वो लगेगा इससे ऊपर अगर इंपोर्ट हुआ तो ऐसे इसमें तुम्हारी कंट्री से जो गुड्स आ रहा है उस पर हम एडिशनल ड्यूटी लगा देंगे एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे सर ये देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है टैरिफ कोटा टैरिफ रेट कोटा अलाउज अ कंट्री टू इंपोर्ट प्री डिटर्माइंड क्वान्टिटी फॉर पर्टिकुलर गुड्स एट रिड्यूस्ड्यूटी रेट दिसा इज मेड ऑल सब्सिक्वेंटली इंपॉर्टेड गुड्स आर चार्ज एट हायर रेट तो सर हिंदुस्तान क्या करेगा एक क्वान्टिटी लेवल फिक्स कर देगा कि इस लेवल तक अगर गुड्स आया इस क्वान्टिटी तक लेवल आया तो सर हम नॉर्मल टैक्स लगाएंगे उसके बाद हम हायर टैक्स लगा देंगे सर सर इसको बोलते हैं टेरिफ रेट कोटा देन अदर मेजर्स इज देंट्रल ग अप्रोप्रिएट तो सर पहले जो केवल एक मेजर था कि ड्यूटी लगा सकती है अब यह दो तीन मेजर रख दिया गवर्नमेंट ने और अपने पास ये और रख दिया कि अदर मेजर और भी गवर्नमेंट लगा सकती है कुछ पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कोई खास बात नहीं सर सिंपल सिंपल पॉइंट्रल गेरिफ रेट कोटा टू सप्लाइंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन सप्लाइंग द आर्टिकल इन द प्रिस्क्राइब मैनर एंड सर गवर्नमेंट क्या करेगी डिफरेंट डिफरेंट टैरिफ रेट कोटा भी फिक्स कर सकती है अलग-अलग कंट्रीज के लिए और हाँ मिनिमम लेवल ऑफ टैरिफ रेट कोटा क्या रहेगा लास्ट तीन रिप्रेजेंटेटिव ईयर्स में इनका एवरेज इंपोर्ट कितना था इन कंट्रीज से हमारा एवरेज इंपोर्ट कितना था सर गवर्नमेंट चाहे तो इस तरह से फिक्स कर सकती है अनलेस अ डिफरेंट लेवल इज डीम्ड नेसेसरी टू प्रिवेंट और रेमेडी सीरियस इंजरीज सर मेजोरिटी देखिए इसमें गवर्नमेंट क्या करती है सर लास्ट तीन साल में आपका एवरेज इंपोर्ट कितना था उतना हम क्या कर देंगे सर टैरिफ रेट कोटा फिक्स कर देंगे और इससे ऊपर कुछ आया एक इंपोर्ट किया अगर हमारे देश ने आपकी कंट्री से तो हम लगा देंगे क्या सर एडिशनल ड्यूटी होगा सेफका ड्यूटी सर ओके द सेफका ड्यूटी इज इन एडिशन टू एनी अदर ड्यूटी ऑफ कस्टम्स विच इज लेविड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन ये एडिशनल ड्यूटी है भाई कोई रिप्लेस तो करनी किसी और को क्लियर एंड गवर्नमेंट को पावर दिया था कि वो चाहे तो सर क्वांटिटी ऑफ गुड्स को एग्जेंट कर सकती है जो गवर्नमेंट uh, समझती है कि इट इज फिट फॉर एग्जिमशन तो उनको एग्जिमशन दे सकती है क्लियर ये पावर गवर्नमेंट को दे दिया पढ़ लो सर देंट्रल गएटिफिकेशन इन दफिशियल गजट एक्ज सच क्वान्टिटी ऑफ एनी आर्टिकल एज इट मे स्पेसिफाई इन दोटिफिकेशन वेन इंपॉर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री और टेरिटरी इन टू इंडिया फ्रॉम पेमेंट ऑफ द होल और पार्ट ऑफ दार्डी लेवेबल देअर ओन तो किसी भी कंट्री से

सर डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया जो गुड्स जिस पे हमने सेफ गार्ड मेजर्स लगा है वो गुड्स अगर डेवलपिंग कंट्री से आ रहे हैं तो हम सेफ गार्ड नहीं लगाएंगे पर सर एक लिमिट लगा दी सर पता पड़ा उनको प्रमोट करने के चक्कर में हमारा डिमोशन हमारा हो गया है हमारी बर्बादी चालू हो गई सर इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या सर टोटल इंपोर्ट ऑफ दैट आर्टिकल इन टू इंडिया सर उससे हम कंपेयर करेंगे कि उस पर्टिकुलर कंट्री से जो गुड्स आ रहा है वो अगर अप टू थ्री परसेंट तक का है

सर मोर देन वन डेवलपिंग कंट्रीज आया ईच अपू थ्री परसेंट बट टोटल शुड नॉट एक्सीड नाइन परसेंट और टोटल इंपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल फ्रॉम ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज टेकन टूगेदर इफ इट एक्सीड नाइन परसेंट तो हम ऐसे केस में सेफ गार्ड मेजर इम्पोज कर देंगे और ईच कंट्री शुड बी अप टू थ्री परसेंट ओनली बेटा है ना नहीं तो सेफ गार्ड लग जाएगा हर उस रेस्पेक्टिव कंट्री के लिए जहां से थ्री परसेंट एक्सीड हुआ इंपोर्ट ओके okay, मालिक पर एक और एग्जामिशन दिया है पहले सेफ गार्ड ड्यूटी के लिए ये वाला एग्जामिशन नहीं था मेरे बच्चों जान देना बेटा सॉरी में था ये वाला आगे इन एसीजेड सर हंड्रेड परसेंट ईओ यू या यूनिट इन एसीजेड ने ये गुड्स इंपोर्ट किया है जिसमें सेफ गार्ड मेजर लगा तो ऐसे मेजर नहीं लगाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग क्या करने वाले एक्सपोर्ट पर सर अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनपे स्पेसिफिकली चाहे अनलेस मेड अनलेस स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल तो बात अलग हो जाएगी या फिर इन होशियारी ने क्या किया उन गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया ईओयू ने इंपोर्ट किया एसजेड यूनिट ने इंपोर्ट किया और सर <coughs> उन गुड्स को फिर डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया वाह भाई इसलिए तुमको ड्यूटी फ्री अलाउ किया था क्या हमने तो ऐसे कैसे में सेफ लगा देंगे या फिर उनसे बनने वाले आउटपुट गुड्स जो गुड्स इंपोर्ट किया उस पर सेफ नहीं पे किया इन्होंने और उनसे बनने वाले आउटपुट गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में में बेच दिया तो ऐसे केस उन गुड्स जो डोमेस्टिक मार्केट में गए उनमें कितना इनपुट ऐसा लगा हुआ जिसपे सेफ गार्ड एग्जिम किया था क्योंकि वो 100% परसेंट या यूनिट ने इंपोर्ट किया था इसलिए तो सर उतनी यूनिट पे आप लगा दो तो सर सेफ गार्ड ड्यूटी क्लियर अब लगा देंगे सर क्लियर डन तो सर अगला पॉइंट प्रोविजनल असेसमेंट अच्छा गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो एक बार प्रोविजनल सेफ गार्ड मेजर्स भी इंपोज कर सकती है टेम्पररीली अगर उनको स्टडी करने में टाइम लग रहा है तो बट सर देना देन देन प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से गवर्नमेंट क्या करेगी पता करती है कि सर इस तरह का लगाना चाहिए तो एक प्रोविजनल सेफ गार्ड मेजर इंपोज करती है बट दिस प्रोविजनल सेफ गार्ड कैन बी फॉर मैक्सिमम अ पीरियड ऑफ टू हंड्रेड डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोजिशन 200 दिन तक ही सेफ गार्ड मेजर रह सकता है ऑन प्रोविजनल बेसिस 200 दिन में कंफर्म करना है कि कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है क्लियर और अगर फाइनल डिटर्मिनेशन हो गया कि नहीं नहीं सेफ गार्ड नहीं लगाना था सर तो ऐसे केस में रिफंड कर दिया जाएगा sir, जो प्रोविजनल बेस पर सेफ गार्ड ड्यूटी कलेक्ट किया उसको रिफंड कर दिया जाएगा उन सब इंपोर्टर्स को जिसके लिए हमने सेफ गार्ड ड्यूटी लगाया था और अगर कंफर्म हो गया नहीं लगाना ही चाहिए था सर तो ठीक है उनसे लगा ही लिया वैसे भी हमने तो ठीक तो है एंड सर ड्यूरेशन ऑफ सेफ गार्ड मेजर चार साल चार साल तक ये रह सकते हैं सर पर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं सब्सिक्वेंटली एक्सटेंड करना चाहिए तो सर हैविंग रिगार्ड टू द द फैक्ट्स ऑफ केस गवर्नमेंट चाहे तो इसको फर्दर एक्सटेंड भी कर सकती है बट टोटल पीरियड शुड नॉट एक्सीड जो पहले भी ही था फोर ईयर प्लस ईयर मैक्सिमम अच्छा सर दिस एक्सटेंशन कैन बी अप टू सर भी मोर ईयर मतलब फोर ईयर प्लस दस साल होना चाहिए मैक्सिमम दस साल तक रह सकता है सर ये ओके ठीक मालिक अच्छा एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑल मशीनरी प्रोविजन ऑफ द कस्टम्स एक्ट सर ये भली

ेशन ऑफ नोटिफिकेशन इशूडर सेक्शन नंबर एट बी सर गवर्नमेंट ने कोई भी नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया फॉर सेफ गार्ड मेजर्स गवर्नमेंट का डेलीगेट पावर है कि वो चाहे तो सेफ गार्ड मेजर इंपोज कर सकते हैं बायू फॉर नोटिफिकेशन अब नोटिफिकेशन जो इश्यू किया है उसको अगर पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है तो वहां देना पड़ेगा नोटिफिकेशन करने के बाद या अब आने वाला तो कमिंग सेशन में पार्लियामेंट इंपुट करेंगे पार्लियामेंट डिसाइड करता है नहीं, नहीं, सही नहीं है इसको विद्रो कर लो या इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो दे कैन डू सो उनको लगता है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं एक्सेप्ट कर पर अगर मॉडिफिकेशन किया विड्रो किया तो हैव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सर नया नोटिफिकेशन इश्यू किया जाएगा पर इट प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अब तक जो हो चुका है वो तो सही था उसको मानना ही पड़ेगा क्लियर डन इसी के साथ मालिक सर अब देखते हैं हमारा और कहा अमेंडमेंट हुआ है, ये जो था प्यार से बोलते है क्या ड्यूटी इसमें एक हल्का हुल्का चेंज हुआ वो भी देख लेते हम वैसे तो मैं बताता हूं ये होता क्या सर अगर ऑन एन इंक्वायरी ये पता पड़ा कि आउट ऑफ इंडिया से गुड्स जो इंडिया में आ रहा है वो बिलो द नॉर्मल प्राइस मारा उसका कारण क्या है आउट ऑफ इंडिया की कंट्री ऑफ कंट्री ऑफ ऑरिजिन की गवर्नमेंट ने वहां पर सब्सिडी दे रखी है जिसकी वजह से जो गुड्स इंडिया में आ रहा है वो कम प्राइस पे आ रहा है बिलो द नॉर्मल प्राइस मारा है जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट हेम्पर हो रहा है होने के चांस है तो ऐसे केस में गवर्नमेंट इमीडिएटली एक्शन लेगी और बाय बायू फॉर नोटिफिकेशन सर उन पर काउंटर विलिंग ड्यूटी चार्ज करेगी उनको काउंटर करेगी सर हाँ ना सो दैट इंपोर्टेड गुड्स बिकम्स इक्वल टू डोमेस्टिक मार्केट हा है ना बेटा क्लियर पर 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 यहाँ पे एक पॉइंट था जो अभी भी है सर एंटी मेजर इन सरकमेंट ऑफ काउंटरविलिंग ड्यूटी हमने पहले पढ़ा हुआ है सर सेम पॉइंट है एंटी डंपिंग ड्यूटी में भी सर सर अगर गवर्नमेंट ने मान लो काउंटरवलिंग ड्यूटी इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्सिडाइज आर्टिकल चार्ज किया और उस एक्सपोर्टर ने क्या किया एक्सपोर्टर और इंपोर्टर ने मिलकर क्या किया ऐसा दिमाग लगाया जिसकी वजह से काउंटेबलिंग ड्यूटी लगे, ही नहीं। क्या दिमाग लगे चेंज कर दो इंपोर्ट so हो उसका सर टैरिफ चेंज हो जाएगा कस्टम ऑफिसर उसको समझ नहीं पाएगा कौन सा गुड्स एंड सर उस पर सब्सिडाइज गुड्स वाला जो ड्यूटी लगाया गवर्नमेंट एक्स्ट्रा वो नहीं लग पाया तो ऐसे केस में अगर इस तरह का काम किया तो उसको बोलते हैं क्या मेजर उन्होंने क्या किया ड्यूटी ड्यूटी को मतलब सर नहीं लगे उसके लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ करिए तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट के पास पावर है कि सर एंटी मेजर लगा दे और ऐसे केस में गवर्नमेंट को जैसे ही पता पड़ता है गवर्नमेंट इमीजिएटली सर इन गुड्स पर भी क्या लगा सकती है काउंटरविलिंग ड्यूटी लगा सकती है बट वो काउंटरविलिंग ड्यूटी कब से लगा सकती है रेट्रोस्पेक्टिव पर रेट्रोस्पेक्टिव कब से उसके लिए पे किया सर वर्ड्स ये वर्ड सेट किए कि सर ऐसा अगर पकड़ा गया तो हम काउंटर विलिंग ड्यूटी चार्ज करेंगे बट फ्रॉम सच डेट नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द इंक्वायरी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई मतलब ऐसे केसेस में जहां आदमी ने सरकमवेंशन करने की कोशिश करी अवॉइड करने की कोशिश करी इस ड्यूटी को बाय वे ऑफ ऑल्टरिंग डिस्क्रिप्शन नेम कंपोजिशन या असेंबल्ड असेंबल फॉर्म इम्पोर्ट या कंट्री ऑफ ऑरिजिन चेंज कर दिया कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट चेंज कर दिया या अदर मैनर से तो ऐसे केस में गवर्नमेंट उस पर काउंटरविंग चार्ज कर सकती है बट फ्रॉम अ डेट नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द इंक्वायरी तो जिस दिन गवर्नमेंट ने उस केस पर इंक्वायरी शुरू करी उस दिन या उसके बाद से काउंटरवलिंग उन गुड्स पर चार्ज हो सकता है उससे पहले के लिए और ज्यादा रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता क्लियर ठीक सर अच्छा सेम सेम ये जो हमने पढ़ा ना बेटा यहां से यहां तक ये सेम अमेंडमेंट आगे एंटी डंपिंग ड्यूटी पढ़ने वाला है उसमें भी सेम टॉपिक एंटी सरकनवेंशन उसमें भी सेम वर्ड्स ऐड किए सर ठीक है चलो बात कर लेंगे जब एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात आएगी तब अभी एक बात और सर काउंटरविलिंग ड्यूटी कैन बी इम्पोज फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर सर यस yes, ये रहा गवर्नमेंट कैन चार्ज काउंटरविलिंग ड्यूटी अप टू फाइव ईयर पर अगर इनको लगता है कि नहीं इस पीरियड को और एक्सटेंड करना है तो आफ्टर हैविंग रिव्यू गवर्नमेंट क्या कर सकती है मार्केट में रिव्यू करेगी रिव्यू करेगी और देखेगी कि इसको एक्सटेंड करना कि नहीं करना तो, तो सर पहले क्या था ऑफ फाइव ईयर का एक साथ पड़ेगा. तो एक ही पड़ेगा तो कोई मेजर चेंज नहीं है तो सर पहले भी पार्सल था पार्सल था अभी भी फाइव ईयर प्लस फाइव ईयर टू फाइव ईयर क्लियर प्लस गवर्नमेंट चाहे तो इसको रिवोक भी कर सकती टेम्परेली बीच में और अगर रिवोक किया है मतलब एक बार लगा दिया, फिर को लगा कुछ टाइम के लिए नहीं, रिवोक कर देना चाहिए तो मैक्सिमम वन ईयर एट अ टाइम गवर्नमेंट कैन रिवोक दिस ड्यूटी ओके डन अच्छा एक बात और ध्यान रखना बेटा फाइव ईयर्स के लिए ड्यूटी लग सकती है फिर अपॉन रिव्यू गवर्नमेंट को लगा कि सर इसको एक्सटेंड करना चाहिए तो टू फाइव मोर इस के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं पर ये रिव्यू Uh, कर रही गवर्नमेंट और देख रही पाँच साल के लिए एक्सटेंड करेगा ना करे ये सोचने में वक्त लग रहा है तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि रिव्यू इफ रिव्यू इज नॉट कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ फाइव इयर्स देन द ड्यूटी मे बी मे कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स पेंडिंग द आउटकम ऑफ सच रिव्यू फॉर अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग वन ईयर मतलब पाँच साल निकल गए और गवर्नमेंट रिव्यू करेगी एक्सटेंड करेगी नहीं करे और अभी तक रिव्यू पूरा नहीं हुआ गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल नहीं आया तो सर एक साल के लिए और कंटिन्यू हो सकता है और उसमें डिसीजन आ सकता है कि ये पांच साल तक कंटिन्यू और आगे होगी कि नहीं होगी या कितने पीरियड के लिए एक्सटेंड करना है ठीक है सर और बीच में अगर कर रिवोक करना है? रिवोक कर सकता है टाइम के नॉट एक्सेड वन ईयर कोई खास बात नहीं सर ओके अब सर काउंटरवलिंग ड्यूटी के लिए दिया बेटा ध्यान देना बेटा पहले काउंटरविलिंग ड्यूटी एक्जिमिश नहीं था जो हमने पढ़ा अभी अभी थोड़ी देर पहले सेफ गार्ड मेजर्स के लिए सेम पॉइंट ऐड किया और सेम पॉइंट है कहां पर ईओयू में भी सर एंटी डंपिंग ड्यूटी में भी सर अच्छा ध्यान देना पहले सेफ गार्ड मेजर सेफ गार्ड ड्यूटी के अंदर लिखा था हंड्रेड परसेंट ईओयू या एसीजेड और फ्री ट्रेड जोन भी लिखा था अब तो हंड्रेड परसेंट ईओयू और एसीजेड ही लिखा है तीनों जगह पे सेफ गार्ड मेजर्स में भी काउंटरवलिंग ड्यूटी में भी और एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए भी सेम पॉइंट है और तीनों में हंड्रेड परसेंट ईओ या एस की यूनिट ने कोई गुड्स अगर इंपोर्ट करी तो ऐसे सेफ अनलेस इट इज मेड अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल या फिर सर जो गुड्स इन्होंने इंपोर्ट किया इन्होंने एजीज डी टी ए में डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में ट्रांसफर कर दिया या उनसे बनने वाले आउटपुट गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में इन्होंने मार्केट में बेच दिया तो सर जितना मटेरियल काम आया था उन आउटपुट गुड्स को बनाने के लिए उस मटेरियल पे क्या लग जाएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी या सेफ गार्ड ड्यूटी या सर काउंटर व्लिंग ड्यूटी चार्ज कर देंगे जो एग्जाम किया था क्योंकि हंड्रेड परसेंट या एस ने इंपोर्ट किया था इसलिए क्लियर अगर इन लोगों ने उन गुड्स को या उनसे बनने वाले आउटपुट गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया तो क्लियर मालिक ठीक है सर कोई खास बात नहीं है अब सर एंटी डंपिंग ड्यूटी में कहा अमेंडमेंट था वो भी देख लेते हैं हम यही सेम अमेंडमेंट थे सर, तो जो हमने यहां पढ़े एक तो एंटी सरकमवेंशन मेजर इन रेस्पेक्ट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर किसी ने एंटी डंपिंग ड्यूटी बचाने के लिए सर क्या क्या कंट्री ऑफ ऑरिजिन चेंज कर दिया वही गुड्स को असेंबल फॉर्म में लिया है आर्टिकल तो में गवर्नमेंट को जैसे ही पता पड़ता है डेट ऑफ गवर्नमेंट देंट्रल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई क्लियर तो सेम वर्ड जो हमने अभी पढ़े काउंटरवलिंग ड्यूटी सेम यहाँ पे कर है कि जिस दिन गवर्नमेंट इंक्वायरी इनिशिएट करती है उस दिन से पहले जो ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुके ऐसे केसेस में एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज नहीं होगा तो इंक्वायरी दिन, दिन एंटी और सेम ये रिप्लेस किया पॉइंट साहब और यहां बोल दिया हंड्रेड परसेंट ईओ यू यासीजेड यूनिट ने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज नहीं होगा अनलेस इट इज इफ इट इज मेड इफ इट इज स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल टू फिर ये सेम आर्टिकल इन्होंने एज इट इज डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया या फिर इन्होंने इन गुड्स को यूज किया इन मैन्युफैक्चर ऑफ एनी गुड्स और वो मैन्युफेक्चर गुड्स इन्होंने डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया तो ऐसे केस में उस आउटपुट गुड्स में जितना मटेरियल काम आया होगा जिस पे एंटी डंपिंग माफ हुआ था उस पे अब एंटी डंपिंग लगा देंगे सर कोई खास बात डन सरकार अब एक और पॉइंट जो ऐड हुआ उसकी हम बात कर लेते हैं एंटी एब्जॉर्प्शन रिव्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन 1 सॉरी सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन 1 बी एंड सेक्शन नंबर नाइन ए सब सेक्शन 1 बी ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट जो इंसर्ट किए फाइनेंस एक्ट 2021 ने बच्चों नाम से ही थोड़ा वो तो समझ में आ रहा है चलिए रिव्यू है पानी पानी एंटी एब्जॉर्प्शन रिव्यू एंटी डंपिंग ड्यूटी डम्ड प्राइस में जो इंडिया में आ रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया पर सर वो भी एब्जॉर्ब कर लिया लोगों ने उस एक्सपोर्टर ने या सर काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन आर्टिकल सब्सिडी को काउंटर करने के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाया पर उसको भी उस कंट्री ऑफ ओरिजिन की गवर्नमेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया और सर सर उससे भी कम प्राइस में गवर्नमेंट ने और उस कंट्री वाले लोगों ने यहां पे एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया तो सर कुल मिला की बात यह हो रही है कि हमने एंटी डंपिंग लगा भी दिया हमने उंटरवलिंग ड्यूटी लगा भी दिया तो इट बिकम्स इन इफेक्टिव सर तो तुम लोग ऐसा करोगे तो हम क्या चुप रहेंगे क्या गए गांधी जी वाले दिन कि हम अगर तुम अगर एक चाटा मारोगे तो हम दूसरा गल आगे करेंगे तुम अगर एक चाटा मारोगे तो हम तुम्हें मार देंगे सर वो यहां लिखा है <laughs> गुस्सा नहीं करने का सर ध्यान दीजिए एंटी एब्जॉर्प्शन रिव्यू सुनना बेटा ये पॉइंट पढ़ना एन एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरविलिंग ड्यूटी मे बी कंसिडर्ड टू बी एब्जॉर्ब वेन एक्सपोर्ट प्राइसेज ऑफ एन आर्टिकल फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्री और कंट्रीज डिक्रीज पोस्ट इम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर विलिंग ड्यूटी मतलब उन कंट्री से जहाँ से गुड्स आ रहा था सर हमने क्या किया एंटी डंपिंग ड्यूटी या काउंटरविलिंग ड्यूटी लगाई तो उन्होंने अपना प्राइसेज और कम कर दिया और प्राइस कम कर दिया तो हम तो वापस से कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे सर क्लियर तो सर विदाउट अच्छा उन्होंने प्राइस कम कर दिया विदाउट एनी कमेंट चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच आर्टिकल और एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ सच गुड्स टू कंट्रीज अदर देन इंडिया या फिर रीसेल प्राइस ऑफ सच आर्टिकल्स इन इंडिया सर इंपोर्टेड फ्रॉम दी एक्सपोर्टिंग कंट्री और कंट्रीज तो सरकार कुल मिला के हिंदुस्तान में अगर उन गुड्स को रीसेल कर रहे हो उसकी प्राइस में कोई फर्क नहीं आया वही कंट्री उन्हीं गुड्स को अगर किसी और कंट्री में बेच रही होती है इंडिया के अलावा उसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं आया सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी कोई चेंज नहीं आया बस उन्होंने क्या किया अपनी प्राइसेस इतनी कम कर दी कि हमने जो एंटी डंपिंग ड्यूटी या काउंटर ड्यूटी लगाया था सर उसके बाद भी उनका गुड्स सस्ते में आ रहा है तो सर डोमेस्टिक मार्केट की बैंड बजने वाली है डोमेस्टिक मार्केट में कोई गुड्स मान लो रुपीज वन थाउजेंड का बन रहा है मान लो वन थाउजेंड बन के बिक रहा है सर और वो गुड्स इंडिया में आ रहा है सेवन हंड्रेड रुपी में आफ्टर चार्जिंग बेसिक कस्टम ड्यूटी अब सर सात सौ रुपए में अगर वो गुड्स आ गया आफ्टर चार्जिंग बेसिक कस्टम ड्यूटी तो आप मुझे बताओ सर हर आदमी क्या करेगा इम्पोर्टेड गुड्स लेगा तो सर डम्प्ड प्राइस में आ रहा था बिलो द नॉर्मल प्राइस या सब्सिडी की वजह से वो सात सौ में आ रहा था तीन सौ तीन सौ रुपए की सब्सिडी दी वहां की गवर्नमेंट ने तो सर गवर्नमेंट ने क्या किया हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया एग्जाम्पल के लिए फिगर सर हमें तीन सौ रुपये का एंटी डंपिंग ड्यूटी या एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगा दिया ड्यूटी सब्सिडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दिया सर

इसलिए गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये सर देखते हुए गवर्नमेंट चाहे तो सर फर्दर स्टेप्स ले सकती है और फर्दर एंटी एंटीडम्पिंग ड्यूटी या काउंटरवलिंग ड्यूटी को बढ़ा भी सकती है गवर्नमेंट सर क्लियर तो पहली बात तो ये उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं हुआ अच्छा एंटी एब्जॉर्ब सॉरी एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवलिंग ड्यूटी एब्जॉर्व हुई है पता कैसे बढ़ेगा या तो वहां के एक्सपोर्टर ने प्राइसेस कम कर दी कब या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है

रिकमेंड मॉडिफिकेशन ऑफ दी फॉर्म और बेसिस और क्वांटम ऑफ दीडम्पिंग ड्यूटी और काउंटरबलिंग ड्यूटी रीअसेसिंग दम्पिंग और सब्सिडी मार्जिन और इंजरी मार्जिन क्लियर एंड बटोर प्रोसेडिंग टू दिस सर बिफोर प्रोसेडिंग टू इनिशियट द इन्वेस्टिगेशन टू डिटर एलिज एब्सॉर्न ऑफ एंटी ड्यूटी या काउंटरबलिंग ड्यूटी उस गवर्नमेंट से गवर्नमेंट एक बार हमारी गवर्नमेंट उस

गवर्नमेंट में रिसोर्ट टू प्रोविजनलेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ द दो ड्यूटी और काउंटरविंग ड्यूटी एंड मे आस्क फॉर अ गारंटी फ्रॉम द इम्पोर्टर टिल द टाइम द डिसीजन इन दिस रिगार्ड इजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक हम डिसीजन नहीं ले लेते हमको इस ड्यूटी को मॉडिफाई करना है कि नहीं करना है तब तक आप हमको एक जो इंपोर्ट कर रहे हो उसको हम प्रोविजनल करेंगे और हमको आप एक गारंटी दोगे कि अगर मान लो कल को हमने ये ड्यूटी बढ़ाई है

देन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और सच अदर डेट इज भी रिकमेंडेड बाई द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। तो सर गवर्नमेंट को बाद में डिटरमाइन हो गया सर तो हुआ है तो ऐसे केस में यह ड्यूटी लगाएगी रेट्रोस्पेक्टिव भी लगा सकती है मॉडिफाइड फॉर्म को बट नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द इंक्वायरी या प्रोसीडिंग अंडर दिस प्रोविजन या फिर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्लियर डन ये एंटी एब्जॉर्प्शन रिव्यू भी शायद आपको पूरा समझ में आ गया ओके बच्चों माहौल तो कुल मिला के आपने हमारा जो एंटी डंपिंग ड्यूटी था या ड्यूटी के सब्सिडी था काउंटर वेलिंग ड्यूटी था सर उसको भी आपने एब्जॉर्ब कर लिया तो हमको कम है क्या सर हम भी क्या करेंगे इन ड्यूटीज को बढ़ा देंगे तुम तीर मारोगे हम तुम्हें चीर देंगे समझे ये बात है आपकी बाहर सर हमारी सरकार ओके सर आइए पॉइंट मेरा आपसे ये है अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं सर कस्टम्स में जो जनरल प्रोविजन वाला हमारा हमारा चैप्टर है सेक्शन नंबर ट्वेंटी और सेक्शन नंबर ट्वेंटी सिक्स वाला जो सेक्शन था सर हमारा सर जहां पे आपने कोई गुड्स अगर हिंदुस्तान से बाहर भेजी है एक्सपोर्ट करिए साहब और वो गुड्स वापस से इंडिया में आ गई है तो पहली बात तो ये जो हमने पढ़े थे प्रोविजन में बोल रहा हूँ सर पहली बात तो ये अगर उनके एक्सपोर्ट करने पर आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे किया था और वो गुड्स अगर विद इन वन ईयर वापस आ गई है तो जो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे किया उसका क्या मिल जाएगा रिफंड मिल जाएगा एंड सर ये रिफंड आप अगले छह महीने में अप्लाई कर सकते हो सर सेकंड बात <coughs> इनको नॉर्मल इंपोर्ट इम्पोर्ट नहीं मानेंगे कोई नॉर्मल कस्टम ड्यूटी वगैरह चार्ज नहीं होगा क्लियर पर हां पर हां अगर आपने उन गुड्स को एक्सपोर्ट किया था अंडर द क्लेम ऑफ ड्रॉबैक या कोई और बेनिफिट अगर आपने गवर्नमेंट से लिया था ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सच आर्टिकल्स तो सर वो एक्सिबिशन क्या हो जाएगा विदड्रो हो जाएगा और वो बेनिफिट जो आपने गवर्नमेंट से लिए थे वो आपको गवर्नमेंट को वापस

एंड री इम्पोर्टेड विद इन वन ईयर विद इन वन ईयर सॉरी एक्सटेंडेबल टू टू ईयर विदाउट बिंग रीमैनुफैक्चर्ड और रीप्रोसेस्ड थ्रू मेल्टिंग रीसाइकिलिंग और रीकास्टिंग अप्रोड अगर वो कोई गुड्स जिसपे आपने ड्यूटी एग्जीबिशन लिया था अंडर एडवांस ऑर्थोजेशन या एपीसी स्कीम या डी एफ आई स्कीम एट्सेट्रा और वह गुड्स वापस वन ईयर के अंदर आ गया प्लस एक्सटेंडेबल टू टू ईयर तो ऐसे तो किस में सर वो गुड्स वापस आएगा सिंस उनके एक्सपोर्ट पर आपने सर जीएसटी और जीएसटी से नहीं पे किया हुआ अब पे कर दो सर अमाउंट ऑफ आई जीएसटी एंड कंपन एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन गुड्स टू स्पेसिफाइडी सर जब वो गुड्स इंडिया में आ रहा होगा तब कस्टम तो पे नहीं करना आपको क्योंकि वो नहीं था, आपने एक्सपोर्ट किया वही गुड्स वापस आ रहा है पर अगर वो गुड्स एक्सपोर्ट नहीं होता तो उस पर आई जी एस टी पे करते जीएसटी कंपन पे करते है वो पे कर दो सर आप क्लियर है ठीक सर अच्छा एक बड़ा अच्छा पॉइंट जो हमने पढ़ा था कि अगर कोई गुड्स इसमें कोई चेंज नहीं सर अगर कोई गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया सॉरी सॉरी अगर आपने कोई गुड्स आउट ऑफ इंडिया भेजा फॉर दर्पज ऑफ रिपेयर और रिपेयरिंग होकर वो गुड्स वापस से इंडिया में आ गया विदाउट बिंग रीमैन्युफैक्चर्ड और रीप्रोसेस्ड ऑनरशिप ऑफ द गुड शुड नॉट चेंज और वो गुड्स अगर वापस आ गया विद इन थ्री इस और एक्सटेंडेबल टू फाइव ईयर तो ऐसे केस में जब वो गुड्स वापस आएगा तो वो गुड्स आउट ऑफ इंडिया रिपेयर हुआ तो फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग आई रिपीट फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स और पार्ट्स और कंपोनेंट्स यूज्ड इन सच रिपेयरिंग भले ही उसने वो हमसे चार्ज किया या नहीं किया प्लस क्योंकि फ्री वारंटी में तो हो सकता है उसने चार्ज नहीं किया प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वेज इस अमाउंट पे हमको कस्टम पे करना पड़ेगा और कस्टम के साथ में आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगते ही आपको पता है बेटा हाँ है ना अच्छा इसका न्यूमेरिकल एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हमने बुक में भी सोल्व किया हमने देखा भी था इस क्वेश्चन को बस

इंप्रूवमेंट इन द वर्ड्स कर दिया बेड ड्राफ्टिंग ऑफ लॉ को सही करेक्ट कर दिया कोई इसमें फर्क नहीं आया इसकी वजह से कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है सर लॉ में वर्डिंग सही कर दी आंसर पहले भी यही थे अभी भी भी यही है पहले भी हमने पर्तवक बताया था कि बेसिक प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज फिर उस पर आई जीएसटी एस टी फिर जीएसटी कंपनी है तो वो लगता था अभी भी लगता है बस वर्ड्स गवर्नमेंट ने ड्यूटी को हटा के ड्यूटी टैक्स तीनों लिख दिया सर ओके और ये सर्कुलर एड कर दिया इट इज क्लैरिफाइड दैट IGST and GST compensation cess are also leviable along with the custom duty on the aforesaid value. And the exemption is only from the amount of said duty, tax or cess over and above the amounts so of calculated. मतलब fair cost of repairing पे ही tax लगना है साहब, पूरी machine की value पे tax नहीं लगना है sir. ठीक है? तो sir मान लो fair cost of repairing के 10 lakh, machine की cost है 50 lakhs. तो so, सर 40 लाख पे एक तरह से एग्जिमिशन है 10 लाख पे tax पे करना आपको clear ठीक है मालिक सर और हाँ गुड्स अदर देन दोन थ्री एंड फोर मतलब one, two, के कोई और केस है, जब कोई कस्टम का बेनिफिट नहीं लिया था कोई जीएसटी का बेनिफिट नहीं लिया तो केस में कोई कस्टम वगैरह कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है पढ़ाया जरूर था आपको बोला जरूर था ये वाला पॉइंट बस लिख दिया बुक के अंदर द कंसेशन कवर्ड अंडर नंबर वुड नॉट बी एप्लीकेबल ये पॉइंट मैंने वुड नॉट बी एप्लीकेबल इफ द इंपोर्टेड गुड्स हैड बीन एक्सपोर्टेड बाई हंड्रेड परसेंट इन फ्री ट्रेड जोन फ्री ट्रेड जोन या हंड्रेड परसेंट ने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया और वो गुड्स अगर वापस से आ गया तो सर ये एग्जीबिशन उसको नहीं मिलेंगे और नॉर्मल जो कस्टम लगता है वह लग जाएगा सर मतलब इट विल बी ट्रीटेड एज इफ गुड्स आर नॉर्मली इंपोर्टेड इन टू इंडिया सेकेंड द इम्पोर्टेड गुड्स एक्सपोर्टेड फ्राम अ पब्लिक और प्राइवेट वेयर हाउस अंडर कस्टम्स सर

तो नॉर्मल कस्टम लगेगा नॉर्मल इंपोर्टेड इंपोर्टेड गुड्स की तरह ट्रीट किया जाएगा इन तीनों केसेस में वापस बोलता हूँ 100 परसेंट ई या फ्री ट्रेड जोन की यूनिट ने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया वापस आ गया सेकंड प्राइवेट या पब्लिक वेरहाउस में गुड्स था कस्टम वाले वेरहाउस में और वहां से एक्सपोर्ट किया वापस आ गया और थर्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या टोबेको प्रोडक्ट जो शेड्यूल नंबर फोर ऑफ दी सेंट्रल एक्साइज एक्ट में कवर है वो गुड्स एक्सपोर्ट किया वापस आ गया तो नॉर्मल इम्पोर्ट मानेंगे नॉर्मल कस्टम लगेगा कोई बेनिफिट इस नोटिफिकेशन का नहीं मिलने वाला क्लियर डन सर और इसमें कोई चेंज नहीं था मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको ओके okay, बच्चों क्लियर समझे मेरी बात डन कोई खास बात नहीं कोई टफ बात नहीं आइए मालिक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी वेरी गुड अमेंडमेंट एक माह का क्वेश्चन बन सकता है फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री सर हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी वो मैं पहले बता रहा हूं फिर अमेंडमेंट की बात करूंगा मैं सर आपसे अगर आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया है अगर आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया है और सर उसके लिए आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी भले बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग हो या बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन हो आप कब तक फाइल करेंगे सर सर बिल ऑफ एंट्री कैन बी फाइल्ड इन एडवांस ऑल्सो इफ इट इज एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड कि अगले तीस दिन में वैसल वाइकल या कन्विंस एयरक्राफ्ट जिससे गुड्स इंपोर्ट हो रहा है वो आ जाएगा तो सर आप एडवांस में भी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो ये बात हमने करी इसमें कोई चेंज नहीं सेकेंड पर बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का टाइम लिमिट क्या है पहले ये था कि जिस दिन बिल ऑफ एंट्री जिस दिन वेसल वाहकल या एयरक्राफ्ट आ रहा है उसके बाद जो नेक्स्ट वर्किंग डे आएगा उसके बाद जो नेक्स्ट वर्किंग डे आएगा वो खत्म होने से पहले पहले मान लो फोर्टीन फेब को वैसा आ गया और फिफ्टीन भी वर्किंग डे है तो फेब या मान लो पब्लिक है तो फेबर फेबर डे एंड तक आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है ऐसा पहले था सर अभी अमेंडमेंट हो गया एंड बोल दिया कि बिल ऑफ एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड एक दिन पहले तक <laughs> मतलब आज क्या है फोर्टीन फेब मान लो तो थर्टीन फेब से थर्टीन एंट्री फाइल करना है अब थर्टीन फेब भले पब्लिक होल्डे कोई मतलब नहीं है <coughs> मतलब सर जिस दिन वेसल वहीकल या एयरक्राफ्ट आ रहा है सर उस दिन से पहले वाला दिन खत्म होने से पहले पहले सर आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना चाहिए भले वो दिन पब्लिक हॉलिडे हो कुछ भी हो एडवांस में भी कर सकते हो ना सर अपू तो थ्री डे दे, थर्टी डेज एडवांस में तो कर दो ना सर लेट क्यों करते हो वो गवर्नमेंट अमेंडमेंट किया है सरकार पढ़ी है मेजर इम्पैक्ट इंडस्ट्री में इसलिए मैंने बोला वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम में आएगा नहीं आएगा वीड नेवर नो यार द इमोटर शेल प्रेजेंट द बिल ऑफ एंट्री बिफोर द एंड ऑफ द डे इंक्लूडिंग हॉलडे साफ साफ लिखा इंक्लूडिंग हॉलिडेज बिफोर द एंड ऑफ द डे प्रेसिडिंग द डे ऑन विच द एयरक्राफ्ट वेसल और वहीकल कैरिंग द गुड्स अराइव एट कस्टम्स स्टेशन एट विच सच गुड्स आर टू बी क्लियर फॉर होम कंजम्पन और वेयर हाउसिंग तो सर जिस दिन वेसल वहीकल या एयरक्राफ्ट अराइव होगा जहां उस कस्टम पोर्ट पे जहां से आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है बली वेयर हाउसिंग वाली हो या होम कंजम्पन उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर वहां पर आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पर कब तक बिफोर द एंड ऑफ द डे प्रेसिडिंग दिन वेसल या एयरक्राफ्ट आने वाला है मतलब 14 फेब को तो थर्टीन फेबर भले थर्टीन फेब्री पब्लिक होल्डो वी डोंट केयर थर्टीन फेबर खत्म होने से पहले पहले हाँ गवर्नमेंट पास पावर है कि सीबीआई में इन सच केसेस एज इट मे डिम फिट प्रिस्क्राइब डिफरेंट टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री विच शेल नॉट भी वो चाहे तो कुछ केसेज में डिफरेंट टाइम लिमिट भी प्रिस्क्राइब कर सकती है बट इट शेल नॉट बी लेटर लेटर द एंड ऑफ दच अरा मतलब जिस दिन जैसे फोर्टीन फेब्री है जनरल तो कुछ केस में डिफरेंट टाइम लिमिट भी दे सकती है बट विच शुड नॉट बी लेटर देन फोर्टीन फेब्रवरी मतलब फोर्टीन फेब्री डे एंड से पहले पहले आपको फाइल करना पड़ेगा कुछ केस में अगर अलग से गवर्नमेंट डिफाइन भी करती है तो वैसे किया हुआ भी है जैसे श्रीलंका और दो तीन कंट्री ऐसी डिफाइन करी हुई गवर्नमेंट ने और वहां से अगर सीपोर्ट से गुड्स आ रहा है तो सर ये एक्सटेंशन दे रखा है गवर्नमेंट ने पर हाँ वो आपको याद करने की जरूरत नहीं, नहीं।, examination purpose के लिए आपके में नहीं दे है तो के तो वैसे भी ध्यान रखता है सर अपने को। सरकार अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं अच्छा ध्यान देना बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट पेज था उस पर इलेट्रेशन था जो अपनी बुक में ऑलरेडी है मेन बुक अगर आप रेफर कर रहे तो उसमें ये क्वेश्चन एक बार एटीन में, में आया था कि कब तक आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो तो सर सिंस बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का टाइम लिमिट में अमेंडमेंट हुआ इसलिए मैंने यहां पर आपको ये क्वेश्चन का पेज दे रखा है सो so दैट आप अपने आंसर में भी अकॉर्डिंगली चेंज कर पाए <coughs> ठीक है तो यहाँ पर आंसर को मैंने चेंज किया है सर यहां पे लिख दिया बिफोर द एंड ऑफ द डे इंक्लूडिंग होलडेज प्रेसिडिंग टू द डे ऑन दिच सच वेसल व्हीकल या एयरक्राफ्ट अराइव्स क्लियर तो आप अपना आंसर भी इस अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा बेटा ओके okay, इसलिए मैंने ये पेज भी दे दिया आपको आओ मालिक अगला सर कस्टम्स का जो एक सेक्शन है सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव सर एंड रिफंड वाला जो चैप्टर है उसमें दे रखा हमने वहां पे सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी भी गुड्स पर कस्टम्स <coughs> एग्जिम कर सकता है इट में भी पार्शियल और फुल इट में भी अनकंडीशनल सेक्शन हमने पढ़ा था उसमें सबर फोर ए गवर्नमेंट ने इस बार ऐड किया है और ऐड करके बोल दिया क्या अगर किसी गुड्स पे कोई कंडीशनल एग्जाम दिया है तो सर वो कंडीशनल एग्जामिशन केवल दो साल तक ही रहेगा और थोड़ा सा ज्यादा रहेगा दो साल के बाद जो नेक्स्ट थर्टी फर्स्ट मार्च आने वाला है वहां तक ही एग्जिस्ट रहेगा उसके बाद ये एग्जीमिशन ऑटोमेटिक विद्रो हो जाएगा अनलेस इफ इट इज विद्रोन अर्लियर पढ़ो वेर एनी कंडीशनल एक्जीबिशन देखो बेटा कंडीशनल एग्जीशन की बात कर रहे हैं <coughs> कि ये कंडीशन पूरी करी तो मिलेगा जैसे है ना बेटा एंड पेज जिसके लिए रूल्स भी दे रखे सर पे इन रूल में हालांकि कोई अमेंडमेंट नहीं है अभी पर ये भी क्या कंडीशनल एग्जीशन है कि मार्कर बनाने के लिए अगर आपने प्लास्टिक इंपोर्ट किया मार्कर बनाने के लिए अगर आपने प्लास्टिक इंपोर्ट किया तो प्लास्टिक पे कस्टम एग्जिमिट है तो एग्जिमिशन जिस दिन दिया उसके बाद जो दो साल आएंगे

फॉलोइ इमीजिएटली आफ्टर टू इस फ्रॉम द डेट ऑफ सच ग्रांट फ्रॉम डेट ऑफ सच ग्रांट और वेरिएशन क्लियर तो जिस दिन गवर्नमेंट ने वो नोटिफिकेशन दिया दो साल आने वाले उस दो साल के खत्म होने के बाद जो थर्टी फर्स्ट मार्च आएगी उस दिन तक वैलिड रहेगा मान लो एग्जाम्पल देता तो हमें मान लो ट्वेंटी फिफ्थ नवंबर को सब ये कंडीशन एग्जीबिशन था सर क्लियर तो इसके बाद दो साल कब आएंगे सर सर दो साल कब होंगे सर कब ट्वेंटी फोर्थ ऑफ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री क्लियर अब इसके बाद थर्टी फर्स्ट मार्च कब आने वाला है मालिक इस दिन तक थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तक ये एग्जीमिशन वैलिड रहेगा जो इस दिन दिया था समझे मेरी बात? हाँ, पहले ही गवर्नमेंट विड्रो कर लिया तो बात अलग हो जाएगी सर ओके कोई खास बात नहीं, कोई नहीं सर, ओके? सरकार था, 25, 4 है, जो ने के किया था। आई, सर, अगले वैसे में आपको एक खुश खबर देता हूं FTP, सर जो टू थाउजेंड फिफ्टीन टू थाउजेंड ट्वेंटी थी सर एक एफटीपी पांच साल तक रहती है पर इस गवर्नमेंट ने सर इस एफटीपी को एक्सटेंड किया हुआ है और एक्सटेंड करते हुए पहले एफ है फर्स्ट मार्च तक तो जो, हाँ, जो हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, तो सर, के हम पढ़ेंगे, ब्रेक के बाद। मतलब आपका पूरा जीएसटी कवर हो गया पूरा कस्टम्स भी कवर हो गया अमेंडमेंट को लेके शायद आपको टेंशन नहीं आई होगी रिलैक्स हो गया आपने पढ़ा होगा बस सर सर केवल कुछ अमेंडमेंट और बचे हैं बस इसमें क्या मेहनत एक, तो एक रोड टेप स्कीम है सर जो मैं वो पूरा पढ़ाना आपको सर वो भी दो तीन पेज का ही कोई बहुत भारी नहीं है सर <coughs> मिलते हैं ब्रेक के बाद एंड खत्म करते हैं एफटीपी को भी क्लियर तब तक के लिए जीएसटी के सारे अमेंडमेंट्स और कस्टम के सारे अमेंडमेंट आपके एंड पे कंप्लीट कर लीजिए थैंक यू सो so मच माहौल बनाओ खुश रह के माहौल बनाओ एंड सर जिंदगी ऐसे ही खुश होते ही होके ही बिताइए ऑल दी बेस्ट लव यू ऑल